जोत लाई हूँ सासू माँ। फाल्गुनी बेटा, अभी अभी विधान से पता चला कैसे तुम और सुरेश 24 घंटे के अंदर मिले, सुन के बहुत अच्छा लगा। अब तो खुश हो ना तुम? खुश क्यों नहीं होंगे सासू माँ? तूफान के जाने के बाद सबसे ज्यादा खुश वही दिया होता है जो बुझता नहीं। देखिए ना, सुयश के साथ कितनी अजीब बात हुई ना। जोधपुर में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उन्हें जोधपुर भेजा जा रहा था, जैसे कोई जानबूझकर 6 बजे तक उन्हें मुझसे दूर रखना चाह रहा हो। तुम्हें मुझ पर अब भी शक है? शक करने के लिए और कोई है भी तो नहीं सासू माँ। ये माला देख रही हो फाल्गुनी, बहुत कीमती है, बिल्कुल मेरे परिवार की तरह। और इसका एक एक मोती मेरे परिवार का एक एक सदस्य। मैंने सालों से इस परिवार को बांध के रखा एक दूसरे के साथ। अब तुम्हें बताओ, ऐसा कुछ करके मैं अपना परिवार क्यों तोड़ूंगी? जोधपुर से फोन आया था, पता चला कि वहां प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सुयश से ये बात कही। अब ये तो सुयश पे निर्भर करता है कि फोन करके मामला सुलझाए या खुद जाकर। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ सासू माँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि ये मोती इस धागे में यूं ही पिरोए रहे। बहुत समय बाद इस घर में खुशियां लौट कर आई हैं, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन खुशियों को बरकरार रखें। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। और अगर किसी ने इन खुशियों को छीनने की कोशिश की तो मैं अपने रिश्तों को भुलाकर फर्ज निभाने लगूंगी। मिट्टी पर की छोकरी मुझे सुना के गई उत्तरा देवी रावत को। लगता है इसे शक हो गया है, हर कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा। वाह, नया लुक, अच्छे लग रहे हैं आप। आज का पूरा दिन मेरे लिए खास बनाने का इरादा है क्या? बिल्कुल है फाल्गुनी, हम आज की रेड अपनी एनिवर्सरी की तरह मनाएंगे, क्योंकि आज हमारी किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया, और हमारे लड्डू गोपाल ने ये साबित कर दिया है कि तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए। इसीलिए तो मैंने सबसे पहला थैंक यू लड्डू गोपाल को बोला है। तो ठीक है, फिर हम आज चल के शादी कर लेते, क्योंकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में, अपने इस घर में और इस कमरे का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। पर आज नहीं, बिट्टू मेरी जान ले लेगी, पता है उसे कितनी तैयारियां करनी है हमारी शादी के लिए। तो फिर बिट्टू को बोलो जो भी तैयारियां कर रही है ना वो सुपर डुपर फास्ट स्पीड से करे, क्योंकि मैं अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। सुयश और फाल्गुनी भी आ गए, तो अब मैं अपनी स्पेशल अनाउंसमेंट यानी कि स्पेशल संदेश आप सबको सुना सकता हूं। क्या हो गया डैड?
क्या बात है? अब बता भी दीजिए, डैड बहुत सस्पेंस हो गया है। मैंने और तुम्हारी मॉम ने फैसला किया है कि अब हम दोनों रिटायर हो जाएंगे। हमने फैसला किया है कि हमारा सारा कारोबार, सारा बिजनेस हमारे दोनों बेटों के नाम कर देंगे और हम दोनों छुट्टियां मनाने जाएंगे। रावत इंडस्ट्रीज के शेयर्स विधान रावत और सुरेश रावत के नाम कर देंगे। और मेरा एनजीओ आज के बाद मेरी दोनों बहुएं नियति और फाल्गुनी संभालेंगी। और ये सब करने की क्या जरूरत है डैड? हाँ डैड, मॉम को तो ऑफिस आना बहुत पसंद है। अरे यार, इन्हें ऑफिस जाना अच्छा लगता है तो क्या जिंदगी भर ऑफिस जाती रहेंगी? दोनों बेटों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि अपनी मॉम को आराम दो। अब हम दोनों ने फैसला कर लिया है तो अब तुम लोगों को मानना पड़ेगा। वकील साहब भी यहाँ पे हैं, सारे पेपर्स लेके आए, पेपर्स निकालिए, हम लोग साइन कर देते। जरूर मिस्टर रावत, पर उससे पहले मुझे आपके पिताजी की वसीयत देखनी पड़ेगी, ओरिजिनल विल। ठीक है, मैं अभी लेके आता। वसीयत तो तिजोरी में है ही नहीं जयंत, क्या लेकर आओगे? और जब तक वसीयत नहीं मिलती तब तक कोई बंटवारा भी नहीं होगा। क्या हो गया डैड? तिजोरी में वसीयत के पेपर्स नहीं मिले। गायब हो गई? वसीयत ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पिछले 17 सालों से वही थी, गायब कैसे हो सकती है? डैड, आप ठीक से याद कीजिए, कभी किसी जरूरी काम के लिए निकाली हो आपने? नहीं बेटा, कभी नहीं निकाले पेपर्स, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जयंत जी, उसके बिना आप जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकते। वो तो वसीयत देखने के बाद ही पता चलेगा कि जायदाद का बंटवारा करना आपका हक है या नहीं है। अगर वसीयत मिल जाए तो मुझे दोबारा बुला लीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ। समझ नहीं आ रहा पापा, बंद तिजोरी से वसीयत कैसे गायब हो सकती है? पापा, उसकी चाबी किसके पास होती थी? तिजोरी की दो ही चाबियां हैं, एक मेरे पास होती थी और दूसरी उत्तरा के पास।